स्कूल आ पढ़े बर जिंदगी ला गड़े बर, इस नारे के साथ छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के लिए कई तरह की योजनाएं लागू कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देते हुए विशेष योजना लागू की जा रही है, जिससे अब बच्चे भी स्मार्ट एजुकेशन का लाभ ले सके। छत्तीसगढ़ का स्कूली शिक्षा विभाग बच्चों का स्कूल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में 180 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जा रहा है। यह स्मार्ट स्कूल इसलिए क्योंकि अब इसमें हाईटेक तरीके से पढ़ाई होने जा रही है। इसका फायदा बच्चों को तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हाईटेक एजुकेशन से भी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले में अब बच्चों को हाई क्वालिटी का एजुकेशन मिलने जा रहा है। दुर्ग जिले में अब बच्चों की पढ़ाई इंटरनेट और बायजूस में पढ़ाने वाले एक्सपर्ट अब सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे। दुर्ग जिले के सरकारी स्कूल ज़्यादा हाईटेक होने जा रहे हैं। इसके लिए प्रारंभिक चरण में 180 स्कूलों में इंटरनेट सेवा शुरू कराई जाएगी। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल को समग्र शिक्षा व इंटरनेट एजेंसियों से बात कर इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए निर्देश दिए हैं। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने कहा कि स्कूलों में डिजिटल तरीके से शिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे स्कूली बच्चों को बेहतर स्तर पर पाठ्य सामग्रियां उपलब्ध हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में इंटरनेट और बायजूस के माध्यम से अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। गाँव के बच्चों को अब अच्छी क्वालिटी एजुकेशन बायजूस माध्यम से दिया जाएगा। समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो हमारी स्कूल्स हैं उनमें दो तरह के काम किए जा रहे हैं। पहला है कि उनमें सब में इंटरनेट की व्यवस्था कराई जा रही है और साथ में बायजूस के साथ में नेशनल लेवल पे ही टाई अप हुआ है, तो बायजूस की जो लर्निंग किट है जो कि प्राइवेट स्कूल्स में बहुत अच्छी स्कूल्स में मिलती है, तो वो लर्निंग किट हमारी स्कूल्स में रहा करेगी। तो इंटरनेट के थ्रू और बायजूस की स्मार्ट क्लासेस के थ्रू अब गांव के बच्चों को भी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पाएगी, जिसमें देश के बहुत बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं, वो उनके लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, वो बच्चों को देखने को मिल पाएंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।